बर्नियात, स्वागत है भाई मेघालय में। अभी ऑफिशियली एंट्री हो गई, पीछे चेकपोस्ट। हाय हाय, एक और नहीं, इससे देखिए कितना मस्त फुहारा लगा रखा है भाई, है ना, एकदम मस्त है यार, बढ़िया है। चलते रहो, थकान ही नहीं होती भाई, बढ़िया लगता है ना एकदम। चेक पोस्ट पे चाय पी लिया भाई, बढ़िया बातें बातें की थोड़ी देर, और बोलता रहता हूँ भाई आइए राजस्थान कभी ना कभी घूमने, तो आते हैं भाई, क्या बोलेंगे आएंगे। हाय हाय, देख रहे हो कैसा मस्त लग रहा है, देख रहे हो भाई पंप कितनी मस्त जगह पे बना हुआ है ना, ऊपर से पीछे पहाड़ और पंप है ना, मस्त है भाई, कुछ भी कहो भाई, नज़ारा तो है, ये देख के तो चलते रहते हैं, है ना, तो चलते हैं भाई धीमे 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 धीमे। रेस्ट रूम वगैरह सब बना रखे भाई, बनाना पड़ेगा ही, जब से जुआ आया तब से, है ना, कितना शानदार है वैली एकदम मस्त। चलते चलते ये काम भी करता हूँ, गूगल पे लोकेशन चढ़ाता रहता हूँ, इस पंप का नहीं था तो इसका भी चढ़ा दिया भाई, मस्त बना हुआ है ना, तो इसका भी चढ़ा दिया भाई लोकेशन, उससे कॉइन मिलते हैं, कॉइन से अपन रेपुटेशन मिलेगी बढ़ेगी, फिर उसके बाद उससे भी कुछ बेनिफिट होता है, लेकिन वो बाद में बताएंगे आपको, तो उससे बेनिफिट तो होता ही है भाई। देख रहे हो गाड़ी चल रही है आराम से, ट्रक वाले भाई कोई ना कोई तो लिफ्ट दे ही देगा, इसी आस में 10 किलोमीटर चल गया हूँ, अरे क्या पता इस आस में 15 किलोमीटर भी निकाल लूँ। बोरा पेट ऐसा कुछ बोलता ना, ये पीछे जो 3 रास्ते फटते हैं, इधर से जहाँ से भी जाता है उधर से मिल जाता है, कर दिया है। हाँ भाई, तो यार मालूम नहीं इसके बारे में तो सरकार थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, सही बात है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसा मिल रहा है ना, कहाँ से वो बिक्री हो रहा है, इसके बारे में तो गवर्नमेंट थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है। भाई ऐसी लॉन्ग तक लिफ्ट मिल गई थी एक जैसी, तो यहाँ छोड़ दिया, देखोगे नज़ारे, आए हाय क्या तगड़ी लेक है ना, उमियम लेक, ओ भाई नेक्स्ट लेवल है ना एकदम। क्या प्यारा सा सनसेट हो रहा है भाई, देख रहे हो सामने सूर्य भगवान, और ये रहा तुम्हारा भाई, देख रहे हो कितनी शानदार है ना ओरियम लेक, उधर ब्रिज चल रहा है, फिशिंग हो रही है, लोग आए भाई काफ़ी आते हैं इधर, वैसे पर दिखाया फेमस भाई लोग, साला इतना परेशान हुआ, 2 घंटे गांव में घूमा उधर पीछे, यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे जो आपको लेक बताई, वो क्या नाम था उसका, उमियामी ऐसा कुछ नाम है। तो 2 घंटे घूमने के बाद भाई सबने मना कर दिया रहने के लिए, बोलता है सरपंच ने पूछना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा, मैं चल सुनील 7 तो वह 7:30 हो गए थे शायद, हाँ 7:30 हो गए थे, तो मैं चल सुनील यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर पंप है तो वहाँ चलते, वहाँ वो बोलेंगे वो रख लेंगे, तो आगे गाँव से निकल के और भाई 5 किलोमीटर आगे गांव से आए और एक भैया मिल गए थार लेके, तो उन्होंने छोड़ दिया मुझे पंप तक, मतलब थोड़ा ही चला था 2 किलोमीटर और भैया मिल गए, 3 किलोमीटर लिफ्ट दे दी,
तो यहाँ छोड़ दिया और एक होटल का एड्रेस भी दे दिया, बोले कि यहाँ से 50-100 किलोमीटर ये एक गांव का नाम बताया वहाँ जाओगे तो उस वहाँ जाके ये कार्ड दिखा के मेरा नाम लीजिएगा, तो वो आपको आप 2-3 दिन जितना दिन रहना चाहो, मेरा ही होटल है वहाँ जाके आप रह सकते हैं। तो भाई अपने फिर अभी जो भाई है वो है चूरू से, हाँ चूरू ही बताया सर, चूरू से है, और ये लगा लिया अपने कैंप पंप पे। तो भाई यहाँ के राजस्थानी भाई काम आए भाई, चलो भाई सोते हैं फिर, गुड नाइट और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। देखिए पुराने पुराने गाड़ियाँ यहाँ ला के पटक दिए, छत्तीसगढ़ की गाड़ी है भाई, इसी आस में 10 किलोमीटर चल गया हूँ, अरे क्या पता इस आस में 15 किलोमीटर भी निकाल लूँ। बाड़ा पेटा ये क्या आता है ना, वो पेटा पेटा बोलते हो, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, थोड़ा फैक्ट बता दिया था। हाँ नहीं।